ये देखा जाए एक्सोस्केलेटन में सबसे पहले स्कल को, तो ये देखिए सबसे पहले स्कल की बात की जाए, ये जो बोन है स्कल, स्कल की अगर आप बात करते हैं तो ये दो तरह की बोन से बनी है। एक तो बनी है ये फेशियल बोन से, फेशियल बोन से बनी हुई है। इस फेशियल बोन की संख्या 14 है, मतलब जो चेहरे की बोन्स है 14 बोन्स है उसकी बनी हुई है। प्लस ये बनी है क्रेनियम की, ये देखिए क्रेनियम की बनी है, और क्रेनियम में 8 बोन्स है, तो ये 8 बोन्स की बनी है। और प्लस अगर आप इसमें समझे तो ये देखिए इसमें जो है हवाइड बोन भी इंक्लूडेड है, इंसर्टिन लिखा हुआ है कि हवाइड बोन को भी आप इसमें प्लस में लगा लें। तो ये तीन तरह की चीजें हैं, एक फेशियल बोन्स क्रेनियम है और हवाइड बोन है जो स्कल का फॉर्मेशन कर रही है। वैसे स्कल में टोटल 29 बोन्स हैं। आइए देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए क्रेनियम क्या है। देखिए जिन एनिमल्स पे क्रेनियम पाया जाता है, क्रेनियल बोन्स आप लिख लें पहले। देखिए क्रेनियल बोन्स क्या, क्रेनियम सिंपल समझिए कि हमारा जो ब्रेन है वो बोनी रूफ से जो है इनसर्कल्ड है, वो जो बोनी रूफ है उसे हम लोग क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियल बोन्स मतलब क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन है उसे क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है और उसे सारी बोन्स मिलके बनाती है, 8 बोन मिलकर बनाती है। इन 8 बोन्स को लोग क्रेनियल बोन्स कहते हैं। और क्रेनियम जो है वो एक स्ट्रक्चर है, मतलब आप इसे मोटा मोटा समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि जितनी दूर तक सिर में बाल है, जितनी दूर तक सिर में बाल है वो पूरा क्रेनियम है, इसमें 8 बोन्स है। तो 8 बोन्स कौन कौन सी है अगर आप देखें तो इसमें जो है अगर आप 8 बोन्स देखते हैं तो सबसे पहले फ्रंटल बोन है, ये देखिए फ्रंटल बोन है, इसकी संख्या 1 है, मतलब ये अनपेयर्ड है। ये देखिए सबसे सामने इस एरिया पे जो बोन है उसे फ्रंटल बोन कहते हैं, ये अनपेयर्ड है। दूसरी बोन है जिसे हम लोग पेराइटल बोन कहते हैं। अब इस फ्रंटल बोन की एक खास बात आप देखें, जब हम लोग न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जब हम लोग पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इस फ्रंटल बोन में, अगर ये फ्रंटल बोन है तो इसमें एक स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग फ्रंटेली कहते हैं। अगर आप जब पैदा हुए होंगे, आप कभी ये बात सोचिए कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके यहाँ पर इस लोकेशन पे एक ऐसे गड्ढा टाइप का होता है, मतलब वहां बोन्स की नहीं होती है, मसल्स होती है, धीरे धीरे बोनी कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस ओपनिंग को हम लोग फ्रंटेली कहते हैं। तो फ्रंटल बोन अनपेयर्ड है और इसमें एक खास तरह की न्यूबॉर्न बेबी में एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोग फ्रंटेली कहते हैं। दूसरी बोन है जिसे हम लोग फ्रंटल के बाद पेराइटल बोन कहते हैं, ये देखिए पेराइटल बोन कहते हैं, ये 2 है, मतलब इसकी संख्या 2 है, इसकी कोई खास बात नहीं है, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। पेराइटल के बाद जो तीसरी बोन है उस बोन का नाम ऑक्सीपिटल बोन है, ये देखिए ऑक्सीपिटल बोन है, ये हमारे सिर में पीछे है, ये लोकेशन है ऑक्सीपिटल बोन की, यहां पीछे की तरफ। अगर आप ऑक्सीपिटल बोन देख रहे हैं तो इसकी संख्या 1 है। इस बोन की खास बात यह है कि अगर ये बोन है ऑक्सीपिटल बोन, मान लेते हैं ये बोन है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ये देखिए तो इस बोन में कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग फोरामेन मैग्नम कहते हैं, फोरामेन ये देखिए मैग्नम कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं, इसी से मेडुला ऑब्लोंगेटा निकल के बाहर आता है तो उसका नाम स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीपिटल बोन में पीछे की तरफ एक कैविटी है जिसे फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं और इससे स्पाइनल कॉर्ड, जब मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर आता है तो इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसी ऑक्सीपिटल बोन से दो तरह के कंडाइल आपस में जुड़े रहते हैं, ये देखिए ये दो तरह कंडाइल है जो आपस में जुड़े रहते हैं, कंडाइल, एक कंडाइल इधर है और एक कंडाइल इधर है, ये दो कंडाइल ऑक्सीपिटल बोन से जुड़े रहते हैं। इसलिए जो ह्यूमन स्कल है, यहाँ पर देखें जो मनुष्य की स्कल है, अगर आप ह्यूमन स्कल देखें तो ये ह्यूमन स्कल जो है वो डाइकंडाइलिक है। डाइकंडाइलिक मतलब ये हुआ कि उसमें दो कंडाइल है,
ये देखिए डाइकंडाइलिक है, इसमें डोकंडाइल ग्रुप, इसका फार्मूला मा है। आपको ये दो ग्रुप में दिखाई पड़ेगा, एक तो मैमल्स पे डाइकंडाइलिक दिखाई पड़ेगा और दूसरा आपको एम्फीबियंस पे डाइकंडाइलिक दिखाई पड़ेगा। और ये कंडाइल दो जगह पर जाएंगे, इसका मतलब एक दूसरी भी होती है जिसे मोनोकंडाइलिक कहते हैं। मोनोकंडाइलिक में कितने कंडाइल पाए जाएंगे आप आराम से फिगर देख के बोल सकते हैं। बच्चों का ग्रुप लिख दीजिए, इसमें सर फिशेस हैं, एम्फीबियंस को आपने उधर लिख दिया है, फिर बचा क्या रेप्टाइल्स हैं, ये देखिए, फिर एक ग्रुप और लिख सकते हैं वर्ड्स हैं। ये तीन ग्रुप हैं जिनमें कंडाइल एक है, लेकिन वो दो ग्रुप है जिनमें कंडाइल दो है। तो ह्यूमन स्किल कैसी है, डाइकंडाइलिक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ह्यूमन तो डाइकंडाइलिक में ही आता है, ये देखिए। ऑक्सीपिटल बोन में एक कैविटी है जिसका नाम फोरामिन ऑफ मैग्नम है, जिससे ऑक्सीपिटल बोन सॉरी मिडल ऑब्लॉन्गेटा बाहर आता है और उसका नाम स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। ऑक्सीपिटल बोन अब आप कितना आसान है सोचिए, ये फ्रंटल है, यहाँ पर ब्रेन का फ्रंटल लोब है, ये पेराइटल है, यहाँ दो बोन्स है और ये पीछे है ऑक्सीपिटल, तो फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल यही हो गई। और अब इसके बाद आप देखें अगली जो बोन है उसका नाम टेम्पोरल बोन है, ये देखिए ये टेम्पोरल बोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्पोरल बोन है, ये कान के बगल में है, ये भी पेयर्ड है, जहां पर आप खट खटाते हैं कि टेम्पोरल बोन है। इसके बाद अगली जो बोन है वो इथेमोइड बोन है, इथेमोइड बोन है, ये देखिए इथेमोइड बोन है, इसकी संख्या एक है। फिर एक बोन है जिसका नाम स्फिनोइड बोन है, ये देखिए स्फिनोइड बोन है, इसकी संख्या जो है एक है। इस स्फिनॉइड की बोन की खास बात है कि ये बटरफ्लाई शेप्ड है, कैसी शेप्ड है, बटरफ्लाई शेप्ड है। और अगर आप इसे देखें इसकी खास बात ये है कि ये बोन ऐसे दिखाई पड़ती है, इस तरह से दिखाई पड़ती है। इसी बोन के अंदर एक कैविटी एक ग्लैंड पाई जा रही है, ये देखिए ये हाइपोथैलेमस है। इस ग्लैंड का नाम अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इसमें ये जो कैविटी है इस कैविटी का नाम सेला टर्सिका है, ये क्लास 11th में पढ़ा जाता है लेकिन आपको क्लास 12th में फिर से रिवीजन करना है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो क्रेनियल बोन्स हैं इसमें दो पेयर्ड बोन्स हैं, चार अनपेयर्ड बोन्स हैं। अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं इसमें जो पेयर्ड बोन्स हैं, चाहे यहां लिख दें आप कि क्रेनियम में दो पेयर्ड हैं, पेयर्ड कौन सी हैं आप याद कर लीजिएगा, ये पेयर्ड है टेम्पोरल और दूसरी पेराइटल ना, और दो चार अनपेयर्ड है, चार ऐसी बोन्स हैं जो सिंगल है, दो पेयर्ड हैं और चार अनपेयर्ड है, ये देखिए टू पेयर्ड है और फोर अनपेयर्ड है। इस तरह से ये एट बोन्स का बना हुआ क्रेनियल बोन है, जो क्रेनियल बोन्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये बात आपको सीखनी है। इनके बीच में जितने भी ज्वाइंट्स हैं अगर आप देखें इन आठों के बीच में एक सिंगल ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को हम लोग सचर ज्वाइंट कहते हैं, सचर ज्वाइंट कहते हैं। ये जितने भी क्रेनियल बोन्स हैं ऐसे आप चाहे लिख दें कमेंट लिख दें, ऑल क्रेनियल बोन्स आर, ऑल क्रेनियल बोन्स आर, ऑल क्रेनियल बोन्स आर इमूवेबल, ये कोई भी मूव नहीं कर पाती है, सब फिक्स ज्वाइंट है, कोई भी मूव नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके बीच में कौन सा ज्वाइंट है, सचर ज्वाइंट है, या इसी को आप चाहे कह सकते हैं फाइब्रस ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है, सचर ज्वाइंट कहें चाहे, और चाहे कहें कि इनके बीच में फाइब्रस ज्वाइंट है। ये एट बोन्स में कोई भी बोन नहीं है जो मूव कर सकती है, फोर अनपेयर्ड और टू पेयर्ड ये आठ बोन्स हैं जो बॉडी में ब्रेन को, ये जो ब्रेन हमारा है इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं, सबके बीच में सचर ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है, वो एक दूसरे से पूरी तरह से बाइंड है, किसी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, आप यहाँ की एक भी बोन को मूव नहीं करा सकते हैं। आइए फेशियल बोन्स को देखा जाता है, आइए स्कल में दूसरा देखते हैं। दूसरी बोन्स जो है उन्हें ईयर ऑस्किल्स कहते हैं, ईयर ऑस्किल्स यहाँ कान में है।
अगर आप देखें तो सबसे पहले आप कमेंट लिख दें प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर में पड़ी होती है, ये देखिए प्रेजेंट इन मिडिल ईयर, ये सब मिडिल ईयर में पड़ी हुई है। और दूसरी खास बात आपको लिखना है कि इन्हें हम लोग कहते हैं ईयर आर्टिकल्स मिडिल गोल में पड़ी, मिडिल ईयर में पड़ी हुई है। और ये जो है इनका जो है एक मिडिल ईयर में इनकी संख्या 2 है 3 है, तो दोनों मिला के इनकी संख्या 6 होती है ईयर आर्टिकल्स की। और एक खास बात आपको याद रखना है कि ये जो बोन्स है ये इरेगुलर बोन्स है। क्योंकि अगला कमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका जो अगला कमेंट है वो है ये है, ये सब की सब मूवेबल है। मतलब अब आपको ध्यान रखना है इनके बीच में जो ज्वाइंट है, इस तरह का ज्वाइंट है कि सब आपस में मूव करती हैं। आइए यहाँ पर कान बना देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जब आप कभी कान बनाते हैं ये देखिए ऐसे, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग ईयर पिन्ना कहते हैं। ये देखिए ये ईयर पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये देखिए यहां पर ये ईयर ड्रम है, इसके आगे अगर आप देखें तो यही बोन से इनको आपको पढ़ना है। ये पहली बोन है कान की जिसको मेलियस कहते हैं, ये दूसरी बोन है कान की जिसे इंकस कहते हैं, ये तीसरी बोन है कान की जिसे स्टेप्स कहते हैं। यहां से एक ऐसे ये आता है, यहां पर अगर आप देखें जैसे ही ये मैं बनाता हूं ये इसे ओवल विंडो कहते हैं। मैंने यहां पर चौक चेंज कर दिया क्योंकि ये इंटरनल ईयर का पार्ट है, यहां पर भी एक ओवल विंडो है। फिर इसके बाद ये देखिए ये इंटरनल ईयर है, यहां पे, और फिर आपने इसको ऐसे कर दिया। इस ट्यूब को हम लोग स्ट्रेचियन ट्यूब कहते हैं। ये यहां से तक ये बोन्स इधर है और यहां से ईयर ड्रम से शुरू होती है। मतलब एक तरफ मैलियस जो है ईयर ड्रम से कनेक्टेड है और स्टेप्स जो है ओवल विंडो से कनेक्टेड है। आप देख लें जो मैलियस है ये ईयर ड्रम से कनेक्टेड है, यहां पर आपको देखना है, और स्टेप्स जो है वो किससे कनेक्टेड है, ओवल विंडो से कनेक्टेड है। यदि आपको सीखना है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है ओवल विंडो का दूसरा नाम फेनेस्ट्रा ओवेलिस है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया ओवल विंडो नहीं लिखा है तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका नाम फेनेस्ट्रा ओवेलिस है। और ये जो नीचे वाली है इसका नाम फेनेस्ट्रा रोटेंडस है, ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस है। और ये पूरा का पूरा ईयर जो है इसे हम लोग इंटरनल ईयर कहते हैं। आगे कभी जब स्टडी की जाएगी तो देखा जाएगा, मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने ईयर पढ़ा रखा है, आप वहां से सीख जाएंगे। तो अब बोन्स कितनी हो गई, मेलियस इनकस स्टेप्स, अगर एक्सटर्नल ईयर से हम इंटरनल ईयर की तरफ चलते हैं तो इसका फार्मूला मिस हो जाता है। तो देखिए इसका जो ईयर आर्टिकल्स है इनकी संख्या कितनी है, एक एक ईयर में 3 है और दोनों ईयर में मिला के 6 इनके नंबर है। और अगर आपको चाहे तो इसका फार्मूला आप नोट कर लें, इसका फार्मूला है, इनको याद करने का फार्मूला है मिस हैज अक्यूट हस्बैंड, मिस हैज अक्यूट हस्बैंड, ये इसका फार्मूला है जिससे आप याद कर सकते हैं इस बोन के शेप के बारे में, नेम के बारे में, और किस बोन की मॉडिफिकेशन, इसका भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आइए देखा जाए, अगर एक कॉलम आप बना लेते हैं या लिख लेते हैं नेम ऑफ बोन्स, नेम ऑफ बोन, दूसरा उनका शेप कैसा है, तीसरा उनका मॉडिफिकेशन कैसा है, किस मॉडिफिकेशन
किस बोन की वो मॉडिफिकेशन है, और चौथा उनमें ज्वाइंट कैसा है। ये देखिए, ये चार चीजें एक साथ में आपको इसी फार्मूले से सिखा दूंगा। तो पहले अगर आप नेम ऑफ बोन्स देख रहे हैं, इसके लिए मैलियस जो है कॉन्सेप्ट है, तो यहां यह मतलब हुआ मैलियस, आई मतलब हुआ इनकस, और यस मतलब स्टेप्स हुआ। ये देखिए, ये जो स्पेयर स्टेप्स है, ये पूरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ये देखिए, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये सबसे छोटी बोन है बॉडी की। ये सिखाते हैं, अगर आपको हैज जोड़ना है तो आप इसको यहां ले सकते हैं। शेप के बारे में बताता है आपको, शेप के बारे में बताता है, यहां नोट कर दीजिए। मैलियस का जो शेप है वो हैमर शेप्ड है। ये देखिए, मैलियस का जो शेप्ड है वो हैमर शेप्ड है। ये हथौड़े जैसी ये बोन दिखाई पड़ती है, हथौड़े जैसे बोन दिखाई पड़ती है। इनकस का जो शेप्ड है, शेप है, वो एनविल शेप्ड है। ये देखिए, और इसका जो शेप है वो स्टर्प ऑफ हॉर्स जैसा है। ये देखिए, स्टर्प शेप्ड है। तो ये इसके शेप हो गए, बोन्स के नाम हो गए, उसके शेप हो गए। और अगर आप मॉडिफिकेशन देखते हैं, तो ए का मतलब यहां हुआ, ए का मतलब यह हुआ कि ये आर्टिकुलर बोन की मॉडिफिकेशन है। मतलब पहले जो जिसका नाम आप हैमर कह रहे हैं, जिसका आप मैलियस कह रहे हैं, वो पहले आर्टिकुलर बोन होती है। यहाँ क्यू का मतलब क्वाड्रेट हुआ, वहां जो क्यूट है, क्यूट है, उसका मतलब यहाँ देखिए क्वाड्रेट बोन हुआ। इसका मतलब जो एनविल है, इसका पहले नाम क्वाड्रेट होता है। और एच जो है, इसका नाम हायो मैंडिबुलर बोन है। ये देखिए, हायो मैंडिबुलर बोन है। ये देखिए, ये तीन तरह की बोन हो गई, आर्टिकुलर, क्वाड्रेट और हायो मैंडिबुलर। ये तीन तरह की बोन्स हो गई। अगर आप इनके बीच में ज्वाइंट देखना चाहते हैं, तो ये देखिए, इनके और इनके बीच में जो ज्वाइंट है वो हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। और इसके और इसके बीच में जो ज्वाइंट है वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये है इनका मतलब। अगर आपसे कोई इसका फंक्शन पूछे कि यार इसका फंक्शन क्या है, आप इसको ऐसे लॉक कर दें, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, उसे भी आप सुंदर बन के कहीं कुछ करने जा रहे होंगे, हाँ, फिलहाल आप इसका देखें। अगर ये एयर एसेंस का फंक्शन देखें, तो ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजेस इंक्रीजेस इफिशियंसी ऑफ, इंक्रीजेस इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, इंक्रीजेस इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। ये एनसीईआरटी की सेम लाइन है। जब आप कान वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कान मतलब जब आप नर्वस सिस्टम में ईयर पढ़ेंगे, तो आपको ये सेम लाइन मिल जाएगी एनसीईआरटी में। ये सेम एनसीईआरटी की लाइन है। ईयर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप इसको सीख जाएं। कहीं किसी तरह का आपको कोई डाउट होगा तो आप डाउट पोर्टल पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए मैं आपको फेशियल बोन बढ़ाता हूं। आइए फेशियल बोन देखा जाए, चेहरे पे कितनी बोन्स हैं। फेशियल बोन्स को अगर आप देखें तो 14 बोन्स हैं। इन 14 बोन्स में आप ये जान लें कि 2 बोन्स हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। 2 पेयर बोन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, मतलब सिंगल हैं, और 7 जो हैं वो पेयर्ड हैं। आपको ये भी दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मतलब 2 बोन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं और 7 पेयर बोन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं। तो अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सीखें इस बात को। ऐसे नाम मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले देखें, चाहे तो हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि एक बोन है बोमर बोन। बोमर बोन है, ये सिंगल है। ये बोमर जो है फेशियल बोन में सिंगल बोन है, आई ऑर्बिट के आसपास पाई जाती है, लोकेटेड नियर आई ऑर्बिट, लोकेटेड नियर
आई ऑर्बिट, ये पहली बोन है जो सिंगल है। दूसरी जो बोन है वो मजेदार है, इस बोन को हम लोग मैंडिबल कहते हैं। ये देखिए मैंडिबल है, मैंडिबल बोन है, ये भी सिंगल है मैंडिबल। इस बारे में कुछ कुछ कमेंट है जो आपको सीखने हैं। ये पहली बोन है जो लोअर जा बोन है, मतलब हमारी जो नीचे वाली जबड़ी है, जबड़ा है, ये मूवेबल है, नीचे आ रही है, ये लोअर जा बोन मूवेबल है। लोअर जा बोन जो है मैंडिबल है। आपको पहला आपने कमेंट लिखा कि लोअर जा बोन है। दूसरा ये देखिए लार्जेस्ट फेशियल बोन है, लार्जेस्ट फेशियल बोन है, जितनी भी फेशियल बोन्स है उनमें सबसे बड़ी है। तीसरी खास बात, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सियल, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन की सबसे स्ट्रांग बोन है और सबसे बड़ी फेशियल बोन है, लोअर जा बोन कहते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ह्यूमन के केस में इसे मैंडिबल न कहके इसे डेंटरी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ह्यूमन के केस में इसे डेंटरी कहते हैं। और ये सिंगल बोन है फेशियल बोन में, जो सिंगल बोन है जो मूवेबल बोन है, सिंगल, इसके सिवा आपके चेहरे की कोई भी बोन मूव नहीं करती है, मूवेबल बोन है। अगर आप ज्वाइंट समझना चाहते हैं तो ये टेम्पोरल बोन है और ये मैंडिबल जोन है, दोनों यहाँ पर आके जुड़ जाती हैं। इस पे जो ज्वाइंट बनता है वो देखिए टेम्पोरलो, ये कहां से आ रही है, टेम्पोरल है, मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरल बोन आके मैंडिबुलर ज्वाइंट से जुड़ जा रही है, इसे टेम्पोरलो मैंडिबुलर ज्वाइंट कह रहे हैं। ये एक तरह का कंडाइलर ज्वाइंट होता है, ये एक तरह का कंडाइलर ज्वाइंट होता है, मतलब आप समझे कि यहां से ये टेम्पोरल बोन आ रही है और ये देखिए जहां से आप हिला रहे हैं ये जहां पर ज्वाइंट है ये वही वाला ज्वाइंट है। नाम कुछ नहीं करना है, टेम्पोरल जब मैंडिबल से जुड़ जाती है तो ज्वाइंट को हम लोग टेम्पोरलो मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं। ये आपको सीखना है। तो ये दो बोन्स हो गए जो अनपेयर्ड है। इसके सिवा पेयर्ड की बात आती है। अगली जो बोन है उसका नाम है इन्फीरियर टर्मिनल्स। आप फिगर में देखेंगे इसका जिक्र है, इसकी संख्या दो है। और देखें आप मैक्सिली जो बोन है, मैक्सिली ये यल शेप्ड बोन है। अगर आप देखें तो ये यल शेप्ड है। मैक्सिली अपर जा बोन है, ये देखें अपर जा बोन है, चाहे आप यहां लिख लें अपर जा बोन है जिसमें दांत अरेंज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैक्सिली है ये इसकी संख्या तो टू है लेकिन ये इमेबुल है। मनुष्य में अपर जा जो है वो इमेबुल है और लोअर जा मूवेबुल है, इसलिए इस तरह के स्कल को हम लोग क्रेनियोस्टैलिक स्कल कहते हैं। तो ये देखिए इसके सिवा जो है मेलर या चीक बोन है, मेलर ये इसे हम लोग चीक कहते हैं, ये चीक बोन है, ये भी पेयर्ड बोन है, ये हमारे गाल के आसपास है जो चीक प्रोमिनेंस बनाती है। तो इसके सिवा और भी बोन्स है, देखिए नेजल बोन्स है जो नाक के आसपास पाई जाती है, इनकी संख्या दो है। ये देखिए पैलेटाइन बोन है, इनकी भी संख्या दो है। ये देखिए तो कौन कौन सी हो गई, आप अगर चेक करें तो इन्फीरियर टर्मिनल सर्विनल्स हो गई, मैक्सिली हो गई, मेलर हो गई, पैलेटाइन हो गई। ये देखिए एक बोन और है लैक्रिमल बोन, नाम भी लोकेशन बता रहे हैं कि कहां पर कौन सी बोन पाई जाती है, लैक्रिमल बोन है, ये देखिए इसकी भी संख्या टू है, पेयर्ड है। देखिए ये पेयर्ड है, 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 छह हो गई। एक कोई और बोन है जो इसमें पाई जाती है, लगभग ये सेवन पेयर्ड है और टू अनपेयर्ड बोन्स है जो पाई जाती है,
तो अगर आप चाहें तो इसको क्लियर कर लें, सीख जाएं, आप कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और इसमें सिंगल पूंछ जो है जो पूछी जाती है वो ये वाली पूछी जाती है, ये वाली, ये देखिए, ये बोन है जिसका डिस्कशन अक्सर होता है। इसको छोड़ के जितने भी बोन्स हैं सब की सब इमेवेबल हैं, जितने भी बोन्स हैं सारी की सारी बोन्स इमेवेबल हैं। आपको याद करना है फेशियल बोन्स में लास्ट एक बोन और है, देख लें आप, लास्ट बोन है जिसका नाम है यहाँ पे पाई जाती है इस जगह पे जो है, इस बोन का नाम है घोड़े के नाल जैसी होती है, ये आप कंफर्म करें फिर वो बची हुई बोन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बोन का नाम हवाइड बोन है। देखें एक बोन और है जिसका जिक्र होता है, ये हवाइड बोन है, सिंगल बोन है, ये सिंगल है, एकमात्र बोन है, ये फेशियल में नहीं आती, अलग से पढ़ी जाती है। इसको देखें, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग, ये बेस टंग पे पड़ी हुई है, ये देखिए। इसका अगर शेप देखा जाए तो इसका जो शेप है वो हॉर्स शू शेप्ड है, हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े के जूते जैसे दिखाई पड़ती है। और खास बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस फोन का किसी से आर्टिकुलेशन नहीं है, आर्टिकुलेशन नो आर्टिकुलेशन, नो आर्टिकुलेशन मतलब ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है, बॉडी की सिंगल बोन है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है, जो अब मैं हिंदी में देता हूं, जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है, ये देखिए। मैंने हिंदी में लिख दिया कि इसी तरह से आप हो जाए, इसका मतलब आर्टिकुलेशन माने क्या हुआ, बोन्स के ज्वाइंट को हम लोग आर्टिकुलेशन कहते हैं। हवाइड बोन एकमात्र ऐसी बोन है जिसका बोन के किसी बॉडी के किसी दूसरे बोन से आर्टिकुलेशन नहीं है, ये बात आपको सीखनी है, समझनी है, ताकि कहीं पर आप मिस्टेक ना करें। और ये सारी बोन्स आप याद करनी है, टू अनपेयर्ड और सेवन पेयर बोन्स को आपको कन्फर्म करना है, लैक्रिमल है, पैलेटाइन है, नेजल है, मेलर है, मेलर है, मैगजिली है, इन्फीरियर टर्मिनल्स है, ये सारी बोन्स है जो पेयर्ड है, और ये दो बोन्स जो अनपेयर्ड है वो हवाइड बोन अलग से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अक्सर पूछते हैं कि बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जो किसी दूसरे हड्डी से नहीं जुड़ती है, मैंने लिख दिया है इस हड्डी का नाम हवाइड बोन है। डिटेल आपको मैं बता दे रहा हूँ, हार्स शेप्ड है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग को सपोर्ट करती है, हाँ एकदम कन्फर्म याद रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ये बात सीख